हे गाइस, पहाड़ी स्टाइल में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजाता। आज मैं आपके साथ जो रेमेडी शेयर करने जा रही हूं आपके स्किन को ग्लोई बनाने के, वाइटनिंग बनाने के लिए और आपके स्किन का जो टोन है उसको थोड़ा लाइट करने के लिए, मतलब लाइट करने के लिए सेंस कि आपकी स्किन को थोड़ा फेयर लुक देने के लिए। तो यस, आज मैंने आपके साथ DIY बहुत अच्छा फेशियल शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही इफेक्टिव फेशियल है, आपकी स्किन को वाइटनिंग इफेक्ट देगा, लाइटनिंग करेगा, आपकी स्किन इवन टोन नहीं है उसको करेगा, स्किन को ग्लोई बनाएगा। और ऐसी चीज़ का बना रही हूँ ना जो इजीली हर किसी के घर में होती है, इसीलिए ये फेशियल आप आराम से अपने घर में कर सकते हैं। ट्राई जरूर करना और ट्राई करके ही मुझे बताना। मेरा फेस अभी देख सकते हैं बहुत डल, मतलब ऐसे कोई चमक वगैरह कुछ नहीं आ रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस फेशियल को दोस्तों। तो यहाँ पे मुझे लेनी है मसूर दाल, जो आपके इजीली घर में अवेलेबल हो जाएगी। मसूर दाल में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, ब्लीचिंग एजेंट इसमें होता है, हमारे स्किन में मॉइस्चर बना के रखता है, स्किन को ग्लोई बनाता है, चमक देता है हमारे स्किन को, और जो स्पॉट्स होते हैं ना स्किन के उसको भी दूर करता है। तो 3 चम्मच आपको यहाँ पे मसूर दाल लेनी है, इसको आपको अच्छे से वॉश कर लेना है। देखिए मैंने इसे वॉश कर लिया है। धुलने के बाद आपको जो इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स आपको डालना है वो है कच्चा दूध। तो 3 चम्मच मसूर दाल थी तो आपको 8 चम्मच करीबन कच्चा दूध डालना है कि जितना जो दाल है वो अच्छे से डिप हो जाए दूध में। तो यहाँ पे कच्चा दूध लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ये आपकी स्किन का क्लिंजर का काम करता है, आपकी स्किन को फेयर बनाने में भी हेल्प करता है और साथ में स्किन की गंदगी को बाहर निकलता है। तो इसको आपको मिनिमम 5 घंटे भिगा के रखना है इसको, तो हम इसे 5 घंटे भिगा देंगे। तो 5 घंटे ये हमारी दाल ऑलमोस्ट पूरी तरह से भीग चुकी है। अब हमें क्या करना है, इसी जो एक्स्ट्रा दूध बचा हुआ है इससे 2 चम्मच दूध आपको सेपरेट कर लेना है, ये हमारा क्लिंजर का काम करेगा। और जो बची हुई दाल है उसको हम ग्राइंडर में पीस लेंगे और इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना देंगे। पेस्ट बन के बिल्कुल रेडी है। पेस्ट इसलिए बनाएंगे कि जो भी इसके दरदरापन है या लम्स हैं वो ना रहें इसमें। अब एक छन्नी की सहायता से मैं इसे छान लूंगी और इसको अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे। जो ऊपर का हिस्सा बचेगा उसे फेंकेगा नहीं, वो आपके स्क्रब का काम आएगा। तो हमारा एक क्रीम बनके बिल्कुल रेडी है। जो फर्स्ट स्टेप है वो है क्लिंजर। तो क्लिंजर के लिए मैंने यहाँ पे जो 2 चम्मच कच्चा दूध लिया था वो है, और 1 चम्मच मैं इसमें मसूर दाल की जो क्रीम है वो डालूँगी और हमारा क्लिंजर बनके तैयार है। पूरे फेस में अप्लाई कर लें क्लिंजर को और मिनिमम आपको इसको 2 से 3 मिनट अच्छे से मसाज करनी है अपने फेस में। क्लिंजर आपके स्किन की जितनी भी गंदगी होती है उनको दूर करता है, आपको फेस को डीपली क्लीन करता है। जो कच्चा दूध होता है वो तो बहुत ही अच्छा क्लिंजर माना जाता है। तो अच्छे से मसाज करने के बाद आपको इसको क्लीन करना है, वॉश नहीं करना है अपने फेस को। तो यहाँ पे आप कॉटन की हेल्प से अपने फेस को क्लीन कर लें। जो नेक्स्ट स्टेप है वो है एक्सफोलिएट, मतलब स्क्रब। तो इसके लिए जो बचा हुआ मैंने आपको बोला था स्क्रब है वो लेंगे हम। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो 1/2 चम्मच मसूर दाल का पाउडर लेना है, उसे ग्राइंडर में पीस के निकाल लें, और 1 चम्मच शहद। तीनों को अच्छे से मिक्स कर लें। शहद में आपको पता है एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, पिंपल्स को दूर करता है, हमारे स्किन वाइटनिंग प्रॉपर्टीज इसमें होती हैं और स्किन के लिए बहुत अच्छा कंडीशनर का काम करता है। इसको अपने फेस में कम से कम 5 मिनट्स मसाज कीजिए। ये आपके ब्लैकहेड्स को दूर करेगा, आपके स्किन के जितने दाग धब्बे हैं उनको दूर करेगा। एक्सफोलिएट आपके स्किन के जितने भी पोर्स हैं उसको ओपन करता है। अच्छे से मसाज करने के बाद अपने फेस को वॉश कर लें। फेस को वॉश करने के बाद फेस को ड्राई कर लें। नेक्स्ट जो है स्टेप है 3rd स्टेप, फेस क्रीम। तो फेस क्रीम के लिए आपको 1 चम्मच मसूर दाल की क्रीम लेनी है, 2 चम्मच ले लीजिए। 1 इसमें विटामिन ई का कैप्सूल डालना है और 1 चम्मच आपको एलोवेरा जेल डालना है।
क्रीम बन के रेडी है, इसे फेस में अप्लाई करेंगे। मिनिमम आपको इसको 15 मिनट अपने फेस में अच्छे से मसाज देनी है। तीनों चीज़ में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा भरपूर होती है, ये आपकी स्किन की जो ग्लो है उनको बनाए रखता है। यह आपकी स्किन को रिंकल से दूर करता है, आपकी स्किन में मॉइस्चर बना के रखता है। अच्छे से मिनिमम 15 मिनट सर्कुलर मोशन में मसाज करने के बाद अपने फेस को वॉश कर लें और अपने फेस को ड्राई कर लें। जो लास्ट स्टेप है वो है फेस पैक। तो यहाँ पे मुझे 2 चम्मच क्रीम चाहिए, 1 चम्मच मैंने चंदन पाउडर लिया है और 1 चम्मच मैंने दही ली है। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें और थोड़ा सा मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें और हमारा फेस पैक बन के रेडी है। चंदन आपकी स्किन को जो पोर्स हैं उसको डीपली क्लीन करता है। आपके पैक आपकी स्किन को जो आपके पोर्स ओपन होते हैं उसको बंद करता है कि आपकी जो उसकी गंदगी है वो आपके पोर्स में ना जाए। जो हल्दी होती है उसमें बहुत अच्छे एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो आपकी स्किन में पिंपल्स वगैरह को रोकने में काफ़ी हेल्प करते हैं। पूरे फेस में अप्लाई कर लेना है आपको इसको और मिनिमम 15-20 मिनट्स को आपको ऐसे ही छोड़ देना है। दही बहुत अच्छा ब्लीचिंग प्रॉपर्टी का काम करता है, इसमें विटामिन सी की मात्रा अच्छी खासी पाई जाती है। तो ये ड्राई हो चुका है, अब मैं अपना फेस वॉश कर लूँगी। आप मेरा फेस देख सकते हैं कि मेरा फेस पहले के अकॉर्डिंग कितना फ्रेश मुझे नज़र आ रहा है और बहुत अच्छा ग्लो फेस पे आया है। आप मेरे फेस पे खुद ग्लो देख सकते हैं। मेरी स्किन मतलब पहले के अकॉर्डिंग जब मैं वीडियो स्टार्ट करा था और वीडियो के एंड में मेरी स्किन में काफ़ी डिफरेंस आए हैं। मतलब स्किन एक तो इवन टोन लग रही है, स्किन मतलब बहुत ज़्यादा फ्रेश फील कर रही है कि आपने फेशियल करा है और लग रहा है कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट मुझे इसका मिला है। तो आई होप आपको भी इसका ऐसे ही रिजल्ट मिलेगा। ट्राई ज़रूर कीजिए, ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए कि आपको ये फेशियल कैसा लगा, आपको क्या इसके रिजल्ट मिले हैं, आपकी स्किन कैसी आपको लगी। इसको आप महीने में 2 बार करिए, मतलब 15 डेज के बाद आप करिए। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल है तब आप इसे 15 डेज के बाद कीजिए, अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो आप इसे महीने में 1 बार जरूर कीजिए। उनका नाम मैं अपने चैनल में लूँगी, उनका नाम है स्मिता पोखरियाल, वो भी उत्तराखंड से बिलोंग करती हैं। तो आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपने चैनल में लूँगी, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना नाम और आप कहाँ के वो जरूर मुझे लिख के बताइएगा। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो को, ऐसे ही मेरी वीडियो को लाइक और पसंद करना बिल्कुल मत भूलिएगा।